हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। सो बहुत टाइम पहले हमने चार्ट प्राइम के ऊपर दो वीडियो बनाया था और आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था उस वीडियो पे। और आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि प्रणीत, चार्ट प्राइम के ऊपर एक और वीडियोस बनाओ, उसको कवर करो। तो ये रहा वीडियो। सो माई न्यू फेवरेट एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे जिससे मैं ट्रेडिंग व्यू में ना की रेजिस्टेंस लेवल या की सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करता हूँ, दैट इज़ यूजिंग स्मार्ट मनी कंसेप्ट बंडल इंडिकेटर फ्रॉम चार्ट प्राइम। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जिसको नहीं पता, चार्ट प्राइम इज़ अ प्रीमियम इंडिकेटर सर्विस यूजिंग ट्रेडिंग व्यू। और जैसे आपको पता है, ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ आपको स्टॉक्स नहीं मिलते, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे, जैसे फोरेक्स हुआ, क्रिप्टो हुआ, कमोडिटी हुआ, इंटरनेशनल मार्केट्स हुआ, बॉन्ड हुआ। सो चार्ट प्राइम इंडिकेटर को आप इतने सारे डिफरेंट मार्केट में यूज़ कर सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप मेरा प्रेफरेंस जाना चाहते हो तो मैं इसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो चलिए इंट्रो देखते हैं और उसके बाद ये इंडिकेटर्स के बारे में डीप में देखेंगे। एंड अगेन, दिस वोंट बी अ ट्रेडर इनसाइड रिव्यू वीडियो इफ़ आई डोंट यूज़ अ इंडिकेटर एंड क्रिएट अ न्यू सेटअप और फिर आपको उसका टेस्ट रिजल्ट दिखा सकूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो हाई एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है ना, तो आपने सुना ही होगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या टॉप डाउन मेथड के इंपॉर्टेंस के बारे में। जो बिगनर्स है, आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, दुनिया के मशहूर ट्रेडर्स यही यूज़ करते हैं। लेट्स अज्यूम आप एक इंट्राडे कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपना डेली टाइम फ्रेम ओपन करोगे और डेली टाइम फ्रेम ऐसा ओपन करके आप अपने की रेजिस्टेंस लेवल सब मार्क करोगे। हो गया, चलिए अभी इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डेली टाइम फ्रेम से हम आवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और हम यहाँ पर भी हमारे की लेवल्स मार्क करेंगे। सो ये भी हो गया। चलिए अभी इसको वापस, अभी लेट्स से कि मैं 5 मिनट्स में ट्रेड कर रहा हूँ, सो मैं टाइम फ्रेम को यहाँ पर वापस 5 मिनट्स कर दूंगा और यहाँ पर मेरे की लेवल्स मार्क करूँगा। सो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इतने सारे की लेवल्स मार्क हो गए। ये सब एक इम्पॉर्टेंस लेवल है। जनरली प्राइस जो होता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो ना, तो ये हायर टाइम फ्रेम्स के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप एज अ एंट्री मान सकते हो, और फिर ये जो लोअर टाइम फ्रेम्स है आप उनको टारगेट या स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हो। अब ये सब प्रोसेस करने के लिए, ये की लेवल मार्क करने के लिए, समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली लगेगा और टाइम जाएगा। सो इसमें आपका काम आसान करने के लिए चार्ट प्राइम ने ये न्यू स्मार्ट मनी कंसेप्ट बंडल इंडिकेटर बनाया। जब आप इसको प्लॉट करोगे ना, तो आपको ऐसा एक लेवल्स मिल जाएगा स्क्रीन पे। ये जो जोन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सब ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो खुद एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। यहाँ पर आपको इसके प्रीमियम और डिस्काउंट जोन भी दिखेंगे जहाँ पर आप उसके ट्रेड्स ले सकते हो। अब इसके सेटिंग्स में जाएंगे और ये सब अनटिक करेंगे ताकि हमें चार्ट थोड़ा क्लीन लगे। अभी इधर नीचे ये MTF सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट इज़ मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के उधर जाके सब ऑप्शन जो दिखेगा, अभी हम यहाँ पर जो भी हमारे हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। अभी क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये दोनों को ही टिक करेंगे, बाकी सब फिलहाल अनटिक करेंगे। अभी ये जो यहाँ पर लेवल्स है ना, ये डायरेक्टली आपके चार्ट का लेवल ले रहा है। जैसे मेरा टाइम फ्रेम यहाँ पर 5 मिनट्स का है, तो ये मेरे 5 मिनट्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर देगा। अभी ये सेकेंड ऑप्शन आप जब टिक करोगे ना, तो ये क्या करेगा, ये 5 मिनट लेवल के ना एक रेंज बना देगा। और आपको जैसे पता है प्राइस एक रेंज में चलता है, सो आप ओके कर देंगे तो देखिए इधर एक इसकी अपने आप एक रेंज बना देगा जहाँ पर ये प्राइस ने रिजेक्शन भी दिखाया। और आपको स्क्रीन पे देखिए इतने सारे की लेवल्स भी दिख रहे हैं और ये की लेवल्स को ये मार्क करता है अच्छे से और उसके बाजू में लिखता भी है कि कौन से टाइम फ्रेम का है। अभी फिलहाल हम लोग एक ही टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो इसके लिए इसे 5 मिनट्स दिखा रहा है। और नॉट ओनली दैट, ये उस सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस को है ना अपना एक इंटरनल एल्गोरिथम यूज़ करके ग्रेड भी करता है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे देखिए ये ऊपर वाला जो रेंज है, जैसे ही प्राइस ने इधर रिजेक्शन दिखाया, तो आप क्या करते हैं, आइडियली यहाँ पर आप अपना सेल ऑर्डर डाल दिए होते और जो आपका टारगेट है वो ये दोनों की लेवल पे बुक कर लिए होते, करेक्ट। अभी चलिए वापस इंडिकेटर पे चलते हैं और MTF देखते हैं। इधर नीचे जाओगे ना, तो आपको इधर हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस अनेबल करने का ऑप्शन दिखेगा। 5 मिनट्स के लिए 1 आवर ठीक है, सो इसको हम अनेबल करेंगे। और फिर आप इधर नीचे जाओगे वापस, तो इसका भी एक हायर टाइम फ्रेम ऑप्शन आएगा।
अभी यहाँ पर इन्होंने डिफॉल्ट 4 आवर्स रखा है, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप एक इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और इंट्राडे कर रहे हो तो इसको आप डेली रखना। 4 आवर्स जनरली फोरेक्स मार्केट के लिए ठीक है, बट स्टॉक्स के केस में आप 1 डे रखोगे तो इज़ प्रेफरेबल। और ये सब करके हम ओके कर देंगे। सो देखिए, आपको स्क्रीन पे इतने सारे लेवल्स मिल गए, आप चाहिए तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट लेवल भी स्क्रीन पे दिखा सकते हो। वापस इधर सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पर ये जो ग्रेड्स है ना, इन सबको चलो मैं 6 कर देता हूँ और ओके करता हूँ। अभी देखिए, सिर्फ जो भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वही स्क्रीन पे है। मैं चाहे तो इससे भी और कम कर सकता हूँ, बट आई फील कि 6 इज़ अ ऑप्टिमम नंबर और इससे नीचे जाना प्रेफरेबल नहीं लगता मेरे को। और यहाँ पर देखिए, जो सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस वाला है, दैट इज़ द ये 1 वाला, जो उसको ये अलग डॉटेड लाइन में दिखाता है ताकि आपको आई पे आए कि हाँ भाई, इस पे तो देखो ध्यान देना ही है। अभी आप देखिए, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो 60 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाया था और इसने इसको 2 ग्रेड दिया था। सो जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया तो देखिए कितना ऊपर चला गया। सो दिस इज़ द पावर ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप इसको अपने प्राइस एक्शन में कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हो। अभी चलिए वापस सेटिंग्स में चलते हैं और ये मल्टी टाइम फ्रेम सब डिसेबल कर देते हैं, फिलहाल हम वो नहीं देखेंगे। और एक और चीज़ देखेंगे, वो है ये अनेबल प्रेडिक्टिव रेंज, और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो ऐसा एक स्क्रीन पे आपको पिवट पॉइंट जैसे लेवल बनाता है। ये भी एक पावरफुल ऑप्शन है। ये जो बीच का लाइन है उसको डेल्टा लाइन बोला जाता है। इसके ऊपर आप देख सकते हो ये 2 गोल्डन लाइन है, इसको ट्रेड बैंड बोला जाता है। मेजॉरिटी ऑफ प्राइस एक्शन इसी रेंज के बीच में होता है। अभी इसके ऊपर ये जो रेड लाइन है, दैट इज़ अपर रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सेम जैसे नीचे यहाँ पर एक ग्रीन लाइन है, ये इसको भी लोअर सपोर्ट लाइन बोला जाता है। यहाँ पर भी प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस कर सकता है। अब ये पर्पल लाइन जो 2 है, ये पूरे रेंज को डिफाइन करता है। जैसे ही प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक किया, ये पर्पल लाइन को ब्रेक किया, तो आपको न्यू बैंड मिल जाएगा। इन सब को यूज़ करके आप एक पावरफुल सेटअप बना सकते हो। ये रेड और ग्रीन लाइन यूज़ करके आप ट्रेड्स में एंट्री ले सकते हो। जैसे मैंने बोला, मेजॉरिटी ऑफ प्राइस एक्शन ये गोल्डन बैंड के बीच में होता है। सो आप इन बैंड्स को एज अ प्रॉफिट बुकिंग भी यूज़ कर सकते हो। जैसे इसे यूज़ करके चलो हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और आप लोग हमें कहते रहते हो कि भाई कभी कोई स्विंग के लिए भी सेटअप लाओ, तो इसे हम है ना डेली टाइम फ्रेम पे सेटअप करेंगे और टेस्ट करेंगे। चलो अभी टाइम फ्रेम को इधर डेली कर देंगे। अभी मैं स्ट्रैटेजी क्या सोच रहा हूँ आपको बताता हूँ। सुनिए कैसा है कि जैसे मैंने पहले बोला कि ये गोल्डन बैंड्स वाला जो एरिया है ना, मेजॉरिटी ऑफ प्राइस एक्शन यही होता है, राइट? तो अगर समझो कि ये गोल्डन बैंड के नीचे गया प्राइस, तो इस एरिया में पूरा सपोर्ट फेस करेगा। सो प्राइस का टेंडेंसी रहेगा कि वापस ये अंदर जाए। और अगर समझो कि प्राइस इस लेवल के ऊपर चला गया, बैंड के ऊपर चला गया, सो उसकी टेंडेंसी होगी कि वापस वो गोल्डन बैंड की तरफ आए। सो हम क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस ये नीचे के 2 एरिया में जाएगा ना, तो हम वहाँ पर एंट्री ले लेंगे। ऑब्वियसली एंट्री कैसे लेंगे वो देखेंगे, वो आगे देखेंगे कि उसके लिए भी कुछ पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। और टारगेट क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट हम ये डेल्टा लाइन पे रख लेंगे और सेकेंड टारगेट ये अपर गोल्डन लाइन पे रख देंगे। सेम अगर जैसे ही प्राइस हमारा ये अपर 2 एरिया पे चला गया और हमें कोई एंट्री सिग्नल मिलता है, तो हम वहाँ पर एक सेल का ट्रेड डाल देंगे। फर्स्ट टारगेट डेल्टा लाइन रखेंगे और रिमेनिंग टारगेट अपना ये लोअर गोल्डन बैंड जो है वहाँ पर रखेंगे। अब एंट्री ट्रिगर के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं। इसके लिए इनका ही एक और इंडिकेटर है, विच इज़ चार्ट प्राइम ऑसिलेटर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट इंडिकेटर। इस पर ही मैंने 2 वीडियो बनाए। जब आप ये इंडिकेटर ओपन करोगे ना, तो आपको इधर ब्लू डॉट्स दिखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अकॉर्डिंग टू देम दिस डिफाइन्स द पीक ऑफ अ ट्रेंड। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लू डॉट यहाँ बन रहा है, तो इसका कहना ये है कि ये जो ट्रेंड का एक पीक पॉइंट ये है और यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। सो हम इसी को ही एज अ एंट्री ट्रिगर मान लेंगे। चलिए रूल्स फॉर बाय सेटअप देखते हैं। फर्स्ट, क्लोज प्राइस शुड बी बिलो द गोल्डन बैंड, दैट इज ये जो दोनों गोल्डन बैंड है उसके नीचे होना चाहिए ये क्लोज प्राइस। फिर ब्लू डॉट शुड बी फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द ऑसिलेटर। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑसिलेटर पे बॉटम लाइन हो गया। सो जब ये फॉर्म होता है तो ये हमारा कैंडल हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा। एंट्री वुड बी हाई ऑफ द ट्रिगर कैंडल, स्टॉप लॉस वुड बी बैंड बिलो द ट्रिगर कैंडल ओपन। बेसिकली जैसे ये ट्रिगर कैंडल है इस केस के लिए, राइट? सो इसका ओपन प्राइस ये वाला है।
सो इसके जो नीचे वाला बैंड होगा ना, हम उसे एज अ स्टॉप लॉस मांग लेंगे। अगर बाई चांस समझो कि ये नेक्स्ट वाला कैंडल अगर ट्रिगर कैंडल हुआ होता तो आपको डाउट आ सकता था कि भाई ये वाला ग्रीन लाइन को लेना है कि ये पर्पल लाइन को लेना है। अभी आप देख सकते हो ये ओपन प्राइस ये ग्रीन लाइन के नीचे है, तो ये ग्रीन लाइन तो वैलिड नहीं है और इस केस में भी पर्पल लाइन ही स्टॉप लॉस होता। अब टारगेट, इसमें दो टारगेट है, 50% ऑफ द टारगेट शुड बी बुक्ड एट द डेल्टा लाइन और आपको आपके स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाना है, फिर टारगेट टू वुड बी एट द अपर गोल्डन लाइन एंड दिस सेटअप वॉज अ विन। आई होप बाय रूल्स क्लियर है। चलिए इसका सेल रूल्स भी देखते हैं। अभी क्लोज प्राइस शुड बी अबाउ द गोल्डन बैंड, फिर ब्लू डॉट शुड बी फॉर्म एट द टॉप ऑफ द ऑसिलेटर, एंट्री लो ऑफ द ट्रिगर कैंडल, स्टॉप लॉस बैंड अबाउ द ट्रिगर कैंडल ओपन। इसमें भी सेम, जैसे ही ये ट्रिगर कैंडल फॉर्म हुआ यहाँ पर अगर जो भी बैंड ये ओपन प्राइस के ऊपर रहेगा, जैसे ये वाले केस के लिए रेड वाला है, सो हमारे लिए ये स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर बाय चांस ये वाला कैंडल ट्रिगर कैंडल होता तो आपको डाउट आ सकता है कि आपको किसको कंसीडर करना है। इस केस में ओपन प्राइस ये रेड लाइन के ऊपर है, सो हमारे लिए स्टॉप लॉस ये पर्पल वाला हो जाता। अब टारगेट, ये भी सेम, 50% एट द डेल्टा लाइन एंड देन ट्रेल द स्टॉप लॉस टू कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर रिमेनिंग टारगेट एट द लोअर गोल्डन लाइन एंड दिस सेटअप वॉज ऑल्सो अ विन। आई होप ये सेल रूल्स भी क्लियर है। तो इसे चलिए हम 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे स्टॉक्स में और इसका असली विन रेट चेक करेंगे। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड इज 94, उसमें से 37 आर विन एंड 57 वॉज लॉस, सो विन रेट हुआ 39%। टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज 34.44% एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज -8.53%। कंटिन्यूस विन इन अ रो इज 4 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो इज 7। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 1471 मंथ्स। सो जैसे आप देख सकते हो हमें 100 ट्रेड्स तो नहीं मिले ड्यू टू अदानी, उसमें आपको ट्रेड्स थोड़े कम मिल जाते हैं, बट स्ट्रैटेजी इज प्रॉफिटेबल। 37% गेन इज क्वाइट गुड, ड्रॉडाउन भी बहुत कम है, दैट इज -8.53%। और एक ये डाउट हर किसी को रहता है, भाई ये 1471 मंथ्स को आप CAGR के लिए यूज़ मत करो, दिस इज़ जस्ट द टेस्ट ड्यूरेशन। आप एक्चुअल में चार स्टॉक में सिर्फ ट्रेड नहीं करोगे ना, आप बहुत सारे स्टॉक्स में करोगे। ऑब्वियसली इस स्ट्रैटेजी को हम और अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया तो बहुत प्रॉफिटेबल बन सकता है, बट दैट इज़ नॉट द पर्पज ऑफ दिस वीडियो। मैं आपको और ऑनेस्टली बोलूँ तो इसके रिजल्ट्स मेरे को मैटर भी नहीं करते। असली पर्पज इस वीडियो का ये है ताकि आपको ये समझे कि कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए और आपको कैसे इंडिकेटर को यूज़ करना है, चाहे वो ये यूज़ करो या फिर कोई भी यूज़ करो। आपको सेटअप के पीछे एक लॉजिक समझना है और फिर स्ट्रैटेजी बनाना है और फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस ही है। आप सिर्फ इन्हीं के इंडिकेटर्स में देखिए ना कितना कुछ आप कर सकते हो। एनीवेज, शाउट आउट टू चार्ट प्राइम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन और मैं आपको गारंटी भी नहीं दे सकता हूँ कि आपको ये हमेशा पैसा बना के देगा, बट इतना तो हम भी जानते हैं कि हम ट्रेडर्स हैं और हम प्रोबेबिलिटी पर विश्वास करते हैं। सो आई वुड एडवाइज टू टेक देयर 1 month सब्सक्रिप्शन एंड ट्राई आउट देयर प्रोडक्ट योरसेल्फ। और जितना एक्सपेरिमेंट करना है या बैक टेस्टिंग करना है कर लो, सही लगता है तो ही कंटिन्यू करो यार, वरना मत करो, कौन फोर्स करता है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहेगा जहाँ से अगर आपने इनका प्रोडक्ट चेकआउट किया तो आपको 40% तक उनका प्रोडक्ट ऑफ में मिल रहा है। सो इफ़ यू फाइंड देम इंटरेस्टिंग देन मेक श्योर टू चेक देम आउट। एज ऑलवेज जैसे मैं बोलता हूँ, सीधा मेरी बात या किसी की बात आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हर स्ट्रेटेजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है। सो आई एड द स्ट्रेटेजी इन द गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस टेक्स द 10th पोजिशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रीवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी यू लाइक। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपकी स्क्रीन पे होगा, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में Zerodha का लिंक डाल दूंगा, हमसे अकाउंट बना के आप चैनल की हेल्प कर सकते हो। और अगर आपको ये बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी शेयर किया है, आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रैटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में, ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रैटेजीज के वीडियोज़ भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।